So most of the questions are very good questions, and I can see that most of them are previous year questions as well. So we'll be able to do them. आसानी से थोड़ा सा बस पेशेंटली करना पड़ेगा बिकॉज लेंथी प्रोसेस है इनको करने का एंड दैट इज हाउ दे कैरी दैट इज द रीजन दे कैरी हाई वेटेज इन दी बोर्ड एग्जामिनेशन. इनकी वेटेज जनरली 4 to 6 मार्क्स की होती है. आइए शुरू करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन में मैं इसकी शुरुआत लाइट मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो एक्सप्रेशन है उसको आई ले लिया करो. जब कोई भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन इस तरीके से आते हैं तो मैं उसमें आई लेना प्रेफर करता हूँ, है ना. इससे थोड़ी सी कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करना इजी हो जाता है. ठीक है, सो दैट इज़ हाउ वी ऑलवेज स्टार्ट विथ. ठीक है, तो जैसे ही आपने आई लिया सर्टेनली ये रूट एक्स प्रॉब्लमेटिक है, तो रूट एक्स को सब्सिट्यूट करो. मैंने रूट एक्स को टी लिया. अगर मैंने रूट एक्स को टी लिया बच्चों, तो ये बात तो बहुत क्लियर समझ में आती है कि एक्स को मैं टी स्क्वायर ले सकता हूँ. और बेस्ड ऑन दिस आई कैन से दैट डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ टी, और आई कैन से डी एक्स कैन बी रिप्लेस बाई वॉट ट्वाइस ऑफ टी इन टू डी टी. दैट इज हाउ वी कैन रिप्लेस डी एक्स. ठीक है, सो इफ वी अंडरस्टैंड दीज थिंग्स नाउ वी कैन हाउ कैन वी राइट आई. आई को मैं अब कैसे लिखने जा रहा हूँ, आई को मैं लिखने जा रहा हूँ साइन क्यूब. अंडर रूट एक्स को मैं क्या लिखने वाला हूँ, टी लिखने वाला हूँ, और डी एक्स की जगह पे क्या लिखने जा रहा हूँ मैं, ट्वाइस ऑफ टी इन टू डी टी. एज यू नो द कॉन्स्टेंट एनी वेयर इज द बेस्ट थिंग टू हैंडल, उसको उठा करके बाहर रख दो. अब ये क्या तुम्हारे पास टी इन टू साइन क्यूब टी. अब यहाँ पे तुम्हें ये बेसिक फॉर्मूला ध्यान रहना चाहिए साइन क्यूब टी को इसको लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करने का. ये आपने सर्टेनली कर रखा है, आपको याद दिलाता हूँ. यहाँ पे आप साइन थ्री थीटा का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं. व्हाट इज दैट, इट इज 3 times साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा. एंड देन व्हाट कैन यू से अबाउट साइन क्यूब थीटा चिल्ड्रन. साइन क्यूब थीटा को आप क्या बोल सकते हो, यू विल से दैट इज 3 sin थीटा माइनस साइन 3 थीटा ओवर 4. दैट इज हाउ आई वुड सिंप्लीफाई दीज थिंग्स. ठीक है, आई होप इट इज ओके. जैसे ही आप ये सब्सटीट्यूशन यहाँ पे रखते हो, देखो ये 2 है, ये 1/4 आएगा, तो ये 1/2 हो जाएगा बाहर. और यहाँ आपने t को एज इट इज रखा, साइन क्यूब t को आपने क्या लिखा बच्चों, दिस इज 3 times ऑफ साइन t माइनस साइन ऑफ 3 t विद रिस्पेक्ट टू वॉट, विद रिस्पेक्ट टू t. सो नाउ दिस इज समथिंग विच इज ऑलमोस्ट आई मीन ईजी फॉर एनी वन अमंग यू. ठीक है, तो आइए इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं. कैलकुलेटिव है नो डाउट, बट हाँ इतना मुश्किल नहीं है. देखो इन दोनों एक्सप्रेशन को मैं अलग अलग से डील करूँगा. फर्स्ट एक्सप्रेशन मेरे पास हो जाएगा 3/2 टी टाइम्स साइन टी इंटू डी टी, एंड द अदर एक्सप्रेशन वुड बी माइनस ऑफ 1/2. मैंने ये 1/2 अंदर मल्टीप्लाई किया. ठीक है, दैट वुड बी टी टाइम्स साइन ऑफ 3 t. I hope every step is clear to every single one among you. ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है बेटा, अब यहाँ पे आप certainly bipart use करोगे. bipart देखो यहाँ मैं ऊपर लिख देता हूँ, राइट. हालांकि आपको ध्यान होना चाहिए, अभी कल ही हमने इसको काफ़ी डिटेल में करा, आपको certainly ध्यान रखना चाहिए. u into v dx that is always equal to u v dx minus integration of du by dx v dx and that is again whole integration. ठीक है, that is what we you will be using here because यहाँ पे दो functions हैं. ये decide करने में भी परेशानी नहीं होनी चाहिए कि u और v यानी कि first function और second function हमारे पास कौन सा हमें लेना चाहिए. तो ये चीज़ तो पता ही है, जब कोई भी ऐसा होता है तो हम लोग क्या prefer करते हैं, मैं personally t को u लेना prefer करता हूँ. क्यों ऐसा करता हूँ, because देखो दोनों ही differentiable है और दोनों ही integrable है. Whether you talk of t or sin t or you talk of t or sin 3 t, both of them are easily differentiable and easily integrable as well. So the point is that agar main t ko u leta hu to mujhe du by dx se ye wali cheez cancel ho jayegi, the t thing will be gone and I'll be left with something which is a integration of a trigonometric function which is very easy to understand. theek hai, to aaiye iske do parts hain. aap chahe to i1 i2 kar ke kar sakte hain, ya fir agar aap thoda sa लेंदी कैलकुलेशंस को डील करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. देखो मैं दो अलग अलग ब्रैकेट से देता हूँ. अब यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास, t कितना है, u है, और sin t dt
साइन टी डी टी, यहाँ वी की जगह पे साइन टी डी टी आएगा, तो साइन टी का इंटीग्रेशन कितना होता है बेटा, दैट इज माइनस कॉस ऑफ टी। आई होप यू आर ओके विद दैट। माइनस साइन के साथ अब यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास, डी यू डी टी बाई डी टी, तो वो वाली चीज़ कितनी हो जाएगी, वो वाली चीज़ तुम्हारे पास हो जाएगी वन, ठीक है। और इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी कितना हो जाएगा, दैट इज माइनस कॉस टी। तो जब आप माइनस कॉस टी करोगे तो माइनस माइनस ही क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, एंड वन इंटू कॉस टी विल रिमेन कॉस टी ओनली। आई होप यू आर ओके विद दैट, ठीक है। कमिंग टू द सेकेंड पार्ट, यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ आपके पास माइनस हाफ कॉमन है, और एग्जैक्टली यही वाली चीज़ फिर से इम्प्लीमेंट करनी है। तो यू की जगह पे तुमने क्या रखा, टी रखा, यहाँ पे तुम्हारे पास साइन थ्री टी है, तो साइन थ्री टी का जब तुम इंटीग्रेशन करोगे ये कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ कॉस ऑफ थ्री टी डिवाइडेड बाई थ्री। आई होप यू रिमेंबर डैट, इन केस देर इज एनी प्रॉब्लम प्लीज आस्क। एंड द सेकेंड पार्ट वुड बी इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बाई डी टी, वो तो गया, ठीक है, दैट विल बी वन, और अगेन ये कितना होगा, माइनस का कॉस ऑफ थ्री टी, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा बच्चों, और ये आपके पास आ जाएगा कॉस ऑफ थ्री टी ओवर थ्री विद रिस्पेक्ट टू डी टी, दैट इज वॉट यू आर गेटिंग। अब इसको बस एक स्टेप आपका रह गया, इसको आपको इसको इंटीग्रेट करना है, जिसको इंटीग्रेट करने में मुझे नहीं लगता आप में से किसी को भी परेशानी होने जा रही है। सो दैट वुड बी थ्री बाई टू माइनस साइन के साथ टी इंटू कॉस ऑफ टी, और यहाँ भी मेरे पास कितना आ जाएगा, थ्री बाई टू कॉस टी की इंटीग्रेशन कितनी होती है बच्चों, दैट इज साइन टी, और यहाँ आप अगर हाफ माइनस हाफ को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो दैट वुड बी प्लस टी इंटू कॉस ऑफ थ्री टी ओवर सिक्स, ठीक है, माइनस माइनस ये प्लस हो गया और ये ओवर सिक्स आ गया, और यहाँ जो लास्ट एक्सप्रेशन है दैट विल फेच अस नेगेटिव साइन, और कॉस थ्री टी का कितना हो जाता है, साइन थ्री टी ओवर थ्री, यानी कि नाइन हो जाएगा, नाइन टू ज़ा एटीन हो जाएगा, सो दैट वुड बी साइन ऑफ थ्री टी ओवर एटीन प्लस टू। सो आई लीव दिस एज द फाइनल आंसर। हाँ, टी की जगह पे सर्टेनली हम लोग क्या पुट करेंगे, टी की जगह पे हम रूट एक्स पुट करना नहीं भूलेंगे, तो आओ कर लेते हैं, राइट, हो जाएगा ना समृद्धि, या इरेज करके कर दूँ, टी की जगह पे सिंपली बस रूट एक्स पुट करना है बेटा, दैट इज ऑल, इज इट ओके सर? द आंसर इज डिफरेंट। द आंसर इज डिफरेंट बिकॉज दे माइट हैव टेकन दिस एज द फर्स्ट फंक्शन साइन, यहाँ पे जो ये साइन क्यूब थी ना, इन्होंने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया, वो साइन क्यूब के साथ ही डील कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने आपको बताया भी है कि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में अगर कभी डिफरेंट एक्सप्रेशन आ रहा है तो आप क्या करो, टी की किसी वैल्यू के लिए चेक कर लो, यू विल गेट द सेम आंसर, ठीक है, यू कैन आल्सो, यू कैन ऑलवेज चेक दैट, देयर इज नो स्कोप ऑफ एनी मिस्टेक बेटा, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। आई फाइंड दैट दिस इज ईजियर टू इम्प्लीमेंट, सो आई वुड सजेस्ट दैट यू शुड ऑल्सो अप्लाई दिस थिंग, ठीक है। सो प्रोसीडिंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारी स्क्रीन पे है, श्रेयांश पहले जो स्क्रीन पे क्वेश्चन है वो ले लेते हैं, उसके बाद फिर जो आप बता रहे हो वो भी ले लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट यू हैव, वन माइनस साइन एक्स और वन प्लस कॉस एक्स ई की पावर एक्स बाई टू। देखो ये एक्स बाई टू से थोड़ा सा तो हिंट मिलता है क्या, कि हर चीज़ एक्स बाई टू में तो कन्वर्ट हो सकती है, ये वाली चीज़ तो शायद मैंने तुम्हें कई बार बताई है कि वन माइनस साइन एक्स को हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं, Either it can be cos x by 2 minus sin x by 2 का whole square, or it can be sin x by 2 minus cos x by 2 का whole square. So depending upon situation, आप किसी भी एक को consider कर सकते हैं, there is no problem with that. ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे x की value, generally x की value दे रखी होती है, right? Exam में अगर ये question exam में आएगा तो you can be 100% sure कि x की value दे रखी होगी, राइट, अगर x की वैल्यू 0 से लेकर के 90 के बीच में है, राइट, इफ़ द x इज लाइंग बिटवीन 0 टिल पाई बाई 2, ठीक है, तो समझ में आता है कि x बाई 2 कहाँ तक होगा, 0 से पाई बाई 4 होगा, और अगर ये 0 से पाई बाई 4 दे रखा है बच्चों, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे cos x हमेशा ग्रेटर होता है, तो आप कौन सा केस कंसिडर करते हो, यू कंसिडर द फर्स्ट वन, ओके, एंड सिमिलरली इट इज डिपेंडेंट ऑन द वैल्यू ऑफ एक्स कि कौन सा लेना है, बिकॉज अंडर रूट के अंदर आपको मालूम है कभी भी अगर अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर होता है तो दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है, ये चीज़ें हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, बट हाँ फिर भी ये बार बार याद रखने वाली चीज़ें इसमें आपको बता दिया करता हूँ। देखो बच्चों, जैसे ही आप इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हो, ये स्क्वायर और ये अंडर रूट तो कैंसिल हो जाएगा ना, ठीक है, यहाँ पे क्योंकि एक्स वैल्यू नहीं दे रखी है, इट इज़ एन इनकम्प्लीट क्वेश्चन आई वुड से, राइट, ये
स्पेस बचाने के चक्कर में पूरा पूरा क्वेश्चन नहीं लिखते हैं, तो मैं इसको भी ऐसे ही रहने दे रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। तो जनरली फर्स्ट केस ही होता है, पाई बाई टू तक की एंगल होता है, तो जनरली ये मैक्सिमम केस में आप देखेंगे इसी तरीके से इसको ओपन करते हैं, वन माइनस साइन एक्स को, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा, वन प्लस कॉस थीटा कितना हो जाता है, टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, सो दैट इज टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। नाउ द गुड साइड इज एवरीथिंग इज इन द फॉर्म ऑफ एक्स बाई टू, और ये हाफ को तो मैं पूरा होल हाफ है तो मैं इसको बाहर ले सकता हूँ ना, आई कैन राइट इट आउटसाइड। आइए देखते हैं क्या आ रहा है मेरे पास, दैट इज कॉस एक्स बाई टू, कॉस एक्स बाई टू, तो ये तो हो गया सेक एक्स बाई टू, है ना, दैट इज सेक ऑफ एक्स बाई टू, और माइनस साइन के साथ साइन बाई कॉस कितना हो जाएगा, टैन हो जाएगा, और फिर भी एक बाई वन बाई कॉस नीचे बच रहा है तो उसको मैं क्या लिख लूँ, सेक लिख लूँ, ठीक है। और वी हैव टू रिमेंबर दैट वी ऑल्सो हैव ई रेज़ टू द पावर माइनस एक्स बाई टू देयर। अब देखो क्वेश्चन तो बड़ा आसान सा अब हो गया मेरे लिए, तो क्यों, क्योंकि मुझे इतना तो ध्यान में है कि sec थीटा की जो डिफरेंशिएशन होती है वो sec थीटा tan थीटा होती है, यानी कहीं ना कहीं ये थोड़ा थोड़ा मुझे एफ एक्स की तरह दिखता है और ये थोड़ा थोड़ा एफ डैश की तरह दिखता है, थोड़ा थोड़ा पूरा नहीं दिख रहा, क्यों, बिकॉज यहाँ पे एक्स बाई टू भी है। बट आप ये भी जानते हैं कि जब कभी भी इस तरह की कंडीशन में हम लोग आते हैं, राइट, वेन एवर वी लैंड अप इन सच काइंड ऑफ कंडीशन, वट डू वी रिमेंबर, वी रिमेंबर that the expression should be of the form e raised to the power x fx plus f dash x. That is what we should look for. If the expression is this is the form, then the answer is e raised to the power x fx plus t. So, ab yahan pe kya karna hai? Certainly, hume minus x by 2 ko t lekar ke isme aage badhna hai. Theek hai? So, is step ke baad main kya karne ja raha hu? Main is minus x by 2 ko, jo ki hamare standard form se thoda sa hume dur leke ja raha hai, main is form ko standard form ki taraf leke badhunga. तो यहाँ से बच्चों बहुत इजीली हमें समझ में आता है दैट डी टी ओवर ई एक्स इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू। वट कैन बी से अबाउट डी एक्स, इस डी एक्स को उठा करके अगर मैं राइट साइड पे ले आऊँ तो, और क्यों ना मैं इस टू को इधर ले आऊँ, है ना, ट्वाइस ऑफ डी टी अलॉन्ग विद अ नेगेटिव साइन, सो दैट इज वॉट वी कैन से अबाउट दिस डी एक्स। अब इस जगह पे इस पूरी चीज़ को आप सब्सटीट्यूट कर सकते हो, आओ उठा के इसको इधर सब्स्टिट्यूशन को इधर ले चलते हैं और यहाँ पे आंसर सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है, वैल्यूज रखते हैं, ये वन बाई टू आ गया, ये कितना हो गया बेटा, दैट विल बी सेक एक्स बाई टू, तो ये आपने एक्स बाई टू को टी लिया है, बल्कि ये माइनस टी हो जाएगा ना एक्स बाई टू, तो आई होप आपको ध्यान होगा कॉस ऑफ माइनस थीटा इज प्लस कॉस थीटा, एंड सिमिलरली साइन ऑफ माइनस थीटा, सेक ऑफ माइनस थीटा विल रिमेन व्हाट, बिकॉज फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, तो इससे आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, दैट विल बी sec ऑफ t, ठीक है। और यहाँ देखो tan ऑफ माइनस थीटा कितना होता है, माइनस tan थीटा होता है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ तुम्हें क्या मिलेगा, tan t, और ये कितना आने वाला है बेटा, ये तो अगेन sec t आ जाएगा, ठीक है। और साथ में आपके पास e raise to the power t है, e raise to the power t है, और dx की जगह पे आप क्या रखने जा रहे हो, माइनस टू dt, तो ये देखो dt तो मैंने इधर लिख दिया और माइनस टू को इधर बाहर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। आई होप यू कैन फाइंड द आंसर वेरी इजीली। व्हाट इज द आंसर, दिस इज एफ डैश एक्स, दिस इज एफ एक्स एंड दिस इज एफ डैश एक्स, तो सर्टेनली द आंसर इज माइनस साइन बाहर है, उसका ध्यान रखना है, ई रेज टू द पावर टी एफ एक्स दैट इज सेक ऑफ टी। जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू टू गेट द आंसर, व्हाट वाज टी, टी वाज माइनस एक्स बाई टू, सो व्हेन यू पुट इट हियर इट शुड बी माइनस e raised to the power x by 2, बल्कि minus x by 2, into sec of x by 2 plus t. That should be the answer, beta. If it is clear, just type OK. If there is any problem, type repeat. जितने भी questions आपने पूछे हैं, वो सारे questions बहुत अच्छे हैं, easy हैं, but हाँ थोड़ा तुम्हें प्रोसीजरल तरीके से इसको हैंडल करना है, बिकॉज अल्टीमेटली ये सारे बोर्ड के क्वेश्चंस हैं, बोर्ड के मतलब ऐसे ही क्वेश्चंस बोर्ड में आपको रेगुलरली दिखते रहेंगे, 4 मार्क्स 6 मार्क्स में, ठीक है। तो सर्टेनली आप इन क्वेश्चंस को अगर सही तरीके से इस प्रोसेस के थ्रू करते हो, जैसे मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो यू शुड गेट ऑल द मार्क्स, राइट, कोई भी मार्क्स कहीं भी डिडक्ट नहीं होने जा रहा। चलो आगे बढ़ते हैं, राइट, आई डिडंट गेस, आई हैव नॉट रिसीव्ड एनी आर, वेल प्रोसीड अहेड, ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है। देखो यहाँ पे एक चीज़ तो समझ में आती है कि ये वाली चीज़ अगर एफ एक्स है तो
तो ये एफ डैश एक्स नहीं है, एफ डैश एक्स अगर होता तो ये वन बाई एक्स होता है ना, एफ डैश एक्स होता तो क्या होता, वन बाई एक्स होता, तो ये वन बाई एक्स एक आगे ही चला गया, यानी कहीं ना कहीं कुछ तो इसमें घपला हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं है, राइट। देखो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए मेरे पास क्या एडवाइस है, इस तरह के क्वेश्चन के लिए जब कभी भी आपको एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स से थोड़ा सा आगे पीछे होता हुआ दिख रहा है, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा आगे पीछे होता हुआ दिख रहा है, तो आप क्या करना, इनमें से किसी एक को आप बाई पार्ट से ओपन करना शुरू करो और दूसरे को एज अ कॉन्स्टेंट मेंटेन करके रखो। आई रिपीट दैट, जब कभी भी आपको ई रेज टू द पावर एक्स होल मल्टीप्लाइड टू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स वाले फॉर्म से थोड़ा सा आगे पीछे होता हुआ दिख रहा है, आगे पीछे मतलब वो सेकेंड डेरेवेटिव के पास चले गए या फिर थर्ड डेरिवेटिव के पास चले गए, ठीक है, जनरली सेकंड के पास भी जाते, थर्ड से भी नहीं जाते, ठीक है। तो ऐसा क्या करना, आप किसी एक चीज़ को बाईपास अप्लाई करना, दूसरी चीज़ को कांस्टेंट रखना, क्यों, क्योंकि जो दूसरी वाली चीज़ होती है ना वो अल्टीमेटली कैंसिल हो जाती है। देखो मैं करके बताता हूँ, आई डू इट फॉर यू, ध्यान से देखिएगा, ई रेज टू द पावर एक्स लॉग ऑफ एक्स एंड द सेकेंड पार्ट इज राइट, यहाँ मुझे डी एक्स लिखना चाहिए बिकॉज मैं अलग अलग इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, ठीक है, एंड द सेकेंड पार्ट इज e raised to the power x over x square dx. This is our I. Examination sheet में आप कैसे लिखेंगे, मैं exactly इस चीज़ को यहाँ पे इस example में demonstrate कर रहा हूँ, ठीक है। Lengthy है, चीज़ों को बढ़िया represent करने के लिए कुछ इस तरह के forms use करना, ठीक है। I would suggest आप इसको properly लिख लें अपने notes में और बाद में इस तरह के procedure को use करें into different lengthy questions, जो 4-6 marks के questions होते हैं, आप इसको implement करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, आपका रिप्रेजेंटेशन अच्छी हो जाएगी। अब देखो मैं यहाँ पे E2 को टच नहीं करूँगा, मैं I2 को टच नहीं करूँगा, I'll just look into what is I1, किसी एक को ले लो, मैं I1 को लेना प्रेफर करूँगा, ठीक है। जैसे ही मैं I1 को लेना प्रेफर कर रहा हूँ, अगर आप में से कुछ बोलेंगे सर I2 ले लो, तो मैं वो भी लेकर के आगे कर दूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, दैट इज़ योर चॉइस, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब देखो यहाँ से मुझे एक आइडिया क्या मिल रहा है कि मुझे 1 बाई एक्स स्क्वायर चाहिए, यानी मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा तभी तो 1 बाई एक्स मिलेगा, तो मैं u किसको लूँगा, log x को लूँगा, है ना, और इसको v ले लूँगा। मेरी बात समझ में आ रही है ना, मैं हमेशा आपको कहता हूँ आइलेट सेकेंडरी है, पहले तुम्हें ये देखना चाहिए तुम्हें कहाँ पहुँचना है और कौन सी चीज़ डिफरेंस, बिकॉज ये दो ये चीज़ें तो भाई ये सर्टेनली log x तुम्हारा आसानी से इंटीग्रेट तो होगा नहीं, डिफरेंशिएट ही होने जा रहा है। अगर तुम हालांकि आइलेट भी लगाते तो भी तुम्हारा log की जो प्रायोरिटी है वो ऊपर आती है, एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में होता है, तो उसके हिसाब से भी आपको log x u ही लेना चाहिए था, फर्स्ट फंक्शन ही लेना चाहिए था, ठीक है। तो ये लेट अस सी दिस, लेट अस अप्लाई बाय पार्ट हियर। तो ये मेरे पास कितना आ गया, लॉग ऑफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू द पावर एक्स, दैट इज ई रेज टू द पावर एक्स ओनली, माइनस साइन के साथ लॉग ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन, दैट इज 1 बाय एक्स एंड दैट इज ई रेज टू द पावर एक्स, ठीक है, डी एक्स। अब ये तो हो गया, दिस इज डन, इसके में कुछ नहीं करना मैंने, अब दिस इज लॉग ऑफ एक्स और ई रेज पावर एक्स, चलो यहाँ लेफ्ट साइड पे, जनरली लॉग के लेफ्ट साइड पे ही कोई भी कांस्टेंट होता है, इसलिए इसको इधर ले लेंगे, ठीक है। और अब यहाँ पे क्या करेंगे, बिल्कुल वही आप सही सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो कि भाई अब यहाँ पे दो फंक्शन है, देखो थोड़ा अलग करके दिखाता हूँ, एक फंक्शन तुम्हारे पास ई रेज पर एक्स है और दूसरा तुम्हारे पास एक्स रेज टू द पावर माइनस वन है, यू हैव टू फंक्शन हियर, ई रेज पर एक्स एंड एक्स रेज पर माइनस वन, एंड दैट इज व्हाट वी नीड टू इंटीग्रेट। तो अब यहाँ पे यू और वी क्या लेने जा रहा हूँ मैं बिल्कुल इसको u लूँगा, क्यों, क्योंकि ताकि मैं जब इसको डिफरेंशिएट करूँ मुझे x स्क्वायर वाला फॉर्म मिल जाना चाहिए, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड दीज सिंपल थिंग्स, ओके। तो देखिए मैं यहाँ पे इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, माइनस साइन ये वाला कॉमन रख रहा हूँ, और मेरे पास अभी क्या आएगा, u यानी कि 1 बाई एक्स और ये चीज़, तो ये वाली चीज़ तो इसकी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन तो सेम ही होती है। सबसे मज़ेदार और सबसे ईजी फंक्शन क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, कोई टेंशन नहीं होती उसको तो डील करने में। अब क्या माइनस साइन लगाया मैंने और अब मैंने 1 बाई एक्स को डिफरेंशिएट किया, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, माइनस ऑफ एक्स रेज पर माइनस टू, यानी कि माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, और ये तुम्हारे पास आ जाएगा क्या, ई रेज टू द पावर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर एंड होल इंटीग्रेशन, राइट, बिकॉज ये कौन सा फॉर्म है, ये वी डी एक्स वाला फॉर्म है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ आ रही है और इस पूरे को उठा करके तुम इस ओरिजिनल फंक्शन में सब्सटीट्यूट करने जा रहे हो, ठीक है। तुमने अभी आई वन को डिस्कस किया है, जो तुम्हारा आई वन आ रहा है इतना, ठीक है। अब अल्टीमेटली तुम I1 क्या पुट करने जा रहे हो इस फंक्शन में, I की जगह पे रखने जा रहे हो ना, राइट, I1 की वैल्यू यहाँ पे रखने जा रहे हो, तो आओ देखते हैं क्या मेरे पास आ रहा है, लेट्स सी। मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को, ये जो मेरे पास एक्सप्रेशन है, इसको उठा करके मैं ले जाता हूँ और वहाँ पे प्लग इन कर देता हूँ, राइट। आप वहाँ पे क्या लिख दोगे, दैट सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू इन एक्सप्रेशन नंबर वन, राइट, यू नेम इट एज एक्सप्रेशन नंबर वन, आप इसको
प्रश्न नंबर वन लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ मेरे पास जो है यहाँ पे कुछ ऐसी हो जाती है, ओके। और आई टू तो मेरे पास एज इट इज था, दैट वॉज इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू द पावर एक्स डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर। तो लुक एट द गुड साइड, ये वाली चीज़ प्लस है और ये वाली चीज़ माइनस है, तो क्या ये कैंसिल हो गई ना? बस इतना सा काम एक्स्ट्रा करना पड़ता है जब कोई भी एफ डबल डैश एक्स तुम्हें दिखेगा, ठीक है। इस चीज़ को कॉन्स्टेंट रखना, परेशान मत होना, दूसरी चीज़ वहीं से वहाँ से डबल डिफ्रेंशिएट करोगे, दैट विल बी गॉन। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन फाइनली शुड बी ई रेज टू द पावर एक्स लॉग ऑफ एक्स माइनस वन बाई एक्स प्लस सी, ठीक है बच्चों। मैंने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताने की कोशिश की, बिकॉज ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और इस टाइप के सिमिलर क्वेश्चन आपके बोर्ड में आ चुके हैं, तो यू शुड बी कॉम्फर्टेबल इन दीज थिंग्स। इफ़ यू आर कॉम्फर्टेबल जस्ट टाइप एफ ए बी, इफ यू वॉन्ट मी टू रिपीट टाइप आर, प्लीज डू इट फास्टर। ओके फाइन, फ्री कन्फर्मेशन सिल नाउ ऑफ पेंटाब्लर, दैट्स गुड। चलो भैया आगे बढ़ते हैं, लेट्स प्रोसीड। आई जस्ट होप दैट देर इज नो आर, ओके देर इज वन आर, कोई बात नहीं। देखो किस स्टेप में परेशानी है बेटा, जरा पूछो बताओ कहाँ पे किस स्टेप से नहीं समझ में आया। चलो मैं रिपीट कर देता हूँ, राइट बिफोर नोइंग दैट, राइट बिकॉज सम ऑफ यू डोंट वॉन्ट टू रिवील योर आइडेंटिटी, सो दैट्स ओके। द थर्ड लाइन, ओके द थर्ड लास्ट लाइन, थर्ड लास्ट लाइन, आई थिंक थर्ड लास्ट लाइन, यहाँ पे आई वन की वैल्यू तो समझ में आ गई होगी ना। आई वन तो सिंपल जैसे हम लोग कैलकुलेट करना चाहिए वैसे करना था, ठीक है। तो आई वन को तुमने जैसे ही कैलकुलेट किया और इस एक्सप्रेशन में तुमने आई वन की वैल्यू सब्सटीट्यूट की, आई टू को तुमने टच भी नहीं किया था, तो आई वन में तुम्हारे पास ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो ये वाली चीज़ कैंसिल हो गई, राइट। बचा क्या, जो बच गया उसको हमने बस सिंप्लीफाई करके लिख दिया, दैट इज ऑल, ठीक है। तो इसमें कोई टेंशन नहीं होगी बेटा, आपने इसको लिख लिया ना, तो आप प्लीज़ इसको लिख लीजिए प्रॉपरली और एक बार फिर से ट्राई कीजिएगा। अगर कोई परेशानी आती है तो यू नो दैट यू कैन गिव मी अ पर्सनल कॉल एज वेल। चलो सो मूविंग अहेड, काफ़ी क्वेश्चंस हैं और कॉन्सेप्ट भी हैं, तो थोड़ा सा कॉपरेट करो, थोड़ा फास्ट फास्ट चलने में मेरी हेल्प करो, राइट। मैं जनरली आपके स्पीड से मूव करता हूँ। देखिए अब यहाँ पे क्या है, ये चीज़ ई रेज पावर टू एक्स है। अगेन हिंट क्या मिल रहा है कि टू एक्स को टी मान के स्टार्ट करो, राइट। हिंट क्या मिल रहा है, टू एक्स को टी मान के स्टार्ट करो, तो चलो टू एक्स को टी मान लेते हैं। 2x is equal to t. What is dt upon dx? That is coming out to be 2. What can I say about dx? I can say that dx is equal to dt over 2. And then I put all the substitution in the place of I. I ki jagah pe, chalo yahi pe likh deta, theek hai? Yahan pe mere paas kitna aa gaya? This is e raised to the power t, because 2x hamare paas t hai. Aur minus sin x. तो x कितना हो जाएगा बेटा, दैट विल बी t बाई टू, टी बाई टू, यहाँ बड़ा ब्रैकेट ले लेते हैं, ठीक है। और ये वाली चीज़ कितनी हो गई, ट्वाइस ऑफ cos ऑफ, ये कितना हो जाएगा बच्चों, दैट विल अगेन बी t बाई टू। और dx की जगह मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, डी टी बाई टू, ये बाई टू तो हमेशा इंटीग्रेशन के बाहर ही रहते हैं। अब ये क्वेश्चन फिर से बड़ा आसान सा दिखने लगा मुझे, क्यों दिख रहा है आसान, क्योंकि ये मुझे दिख रहा है एफ एक्स और एग्जैक्टली ये वाली चीज़ दिख रही है एफ डैश एक्स, बल्कि टी लिखना चाहिए बिकॉज इट्स अ फंक्शन इन टी, सो आई बेटर राइट इट एफ ऑफ टी एंड दिस इज एफ डैश टी। वेन एवर यू डिफरेंशिएट कॉस ऑफ ट्वाइस ऑफ, देखो करके भी बता देता हूँ, सपोज करो तुम्हारे पास वाई इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ कॉस ऑफ टी बाई टू है, तो बेटा डी वाई बाई डी टी कितना हो जाएगा, कॉस को टू तो कॉन्स्टेंट है एज इट इज रहेगा, कॉस का कितना होता है माइनस साइन होता है, ठीक है, माइनस साइन टी बाई टू, और टी बाई टू को क्या हो जाएगा हाफ, तो देखो ना बचा क्या तुम्हारे पास, माइनस साइन टी बाई टू बचा ना, दैट इज ऑल, यू आर डन विद द क्वेश्चन। व्हाट वुड यू राइट इन द आंसर, दैट हैज टू बी हाफ एज इट इज रहेगा, ये वाला हाफ बाहर है, और ई रेज टू द पावर टी इंटू एफ ऑफ टी, व्हाट इज एफ ऑफ टी, इट इज ट्वाइस ऑफ कॉस ऑफ टी बाई टू प्लस टी, तो ये ट्वाइस और ये वाला टू मैं कैंसिल करना चाहूँगा और फाइनली मैं टी को एक्स से सब्स्टिट्यूट करूँगा, एक्स के टी कितना था ट्वाइस ऑफ एक्स, सो दैट वुड बी ई रेज टू द पावर टू एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स प्लस टी। होपफुली दिस शुड बी द फाइनल आंसर। अगेन इफ देर इज फाइन प्लीज सिंपली रेज योर हैंड, इफ देर इज एनी प्रॉब्लम टाइप आर, इफ देर इज एनी प्रॉब्लम जस्ट टाइप आर।
सर ये हाफ कहाँ गया? कौन सा हाफ कहाँ गया बेटा? ये वाला हाफ यहाँ था, यस सर। ये वाला हाफ यहाँ पे था, और आपको ये समझना है कि जब आप इसको ले रहे थे तो ये हाफ ये इसके साथ था, राइट। ये हाफ कहाँ से आया था? डी टी बाई टू से आया था। और ये वाली चीज़ तुम्हारी एफ टी कितनी है? ट्वाइस ऑफ दिस है। व्हाट इज एफ टी? ट्वाइस ऑफ कॉस 2t। तो ये जब तुम ट्वाइस ऑफ कॉस 2t किया तो ये टू और टू कैंसिल हो गया ना भाई, बचा क्या? इरेज पर टी कॉस टी बाई टू, ओके सर, दैट्स ऑल। ओके, प्रोसीड यस सर। अहेड, प्रोसीडिंग अहेड। नेक्स्ट थिंग इज दिस वन, इरेज पर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। बेटा ये सब फॉर्म बिल्कुल नए नहीं है तुम्हारे लिए, तुम शायद कॉस क्यूब साइन क्यूब या फिर कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर से भूल रहे हो कि तुमने ये सारी चीजें बहुत अच्छे से कर रखी हैं मेरे बच्चे। कॉस स्क्वायर एक्स को हम लोग क्या करते थे? टू से मल्टीप्लाई करते थे, टू से डिवाइड करते थे। ऐसा क्यों करते थे बेटा? क्योंकि ये बन जाता था वन प्लस कॉस टू एक्स डिवाइडेड बाई टू, एंड देन डीलिंग विद दिस फॉर्म वोंट बी अ प्रॉब्लम फॉर एनी वन अमंग यू। बुक में कैसे कर रखा है? फॉरगेट इट, राइट। यू डू द वे यू हैव बीन टॉट टू डू, दैट वुड ऑलवेज बी ईजियर देन एनी अदर मेथड। ठीक है, आओ देखो क्या बन गया। ये तुम्हारे पास वन बाई टू बाहर आ गया। ये क्या आ गया? ई रेस टू द पावर एक्स एज इट इज। कॉस स्क्वायर एक्स को मैंने लिख दिया अब वन प्लस कॉस टू एक्स। अब देखो ये एक्सप्रेशन कितना सिंपल हो गया बच्चे। ये आ गया तुम्हारे पास ई रेस टू द पावर एक्स डी एक्स, दैट इज वन ऑफ द एस्पेक्ट। इसको हाफ यहाँ रख लो। और जो सेकेंड एस्पेक्ट बन रहा है वो क्या बन रहा है? अगेन दैट इज हाफ ई रेस टू द पावर एक्स इन टू कॉस ऑफ टू एक्स डी एक्स, दैट्स ऑल। क्या बहुत मुश्किल है इसको करना? विल इट बी वेरी वेरी टफ टू हैंडल? हो जाएगा या नहीं बताओ? कर लोगे तो मैं आगे बढ़ जाऊं? यस सर। ठीक है राइट, बिकॉज ये वाला पार्ट तो खत्म ही हो गया और इस पार्ट में तुम बाई पार्ट लगाओगे, हो जाएगा। दो बार डिफरेंशिएट करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, बिकॉज ये वाली चीज तुमको फिर से रीअचीव होगी। चलो ऐसे क्वेश्चन तुमने और भी पूछे हैं तो एक आध क्वेश्चन इस टाइप का कर भी दूंगा, ठीक है। प्लीज ट्राई आफ्टर दैट। ऐसा सिमिलर क्वेश्चन आपने डिस्कस कर लिया है तो आई होप यू कैन ट्राई दैट। देखिए ये भी बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। ये क्या दिख रहा है तुम्हें? यहाँ पे टू से मल्टीप्लाई करो और टू से डिवाइड करो। आई होप द क्वेश्चन बिकम्स वेरी इजी फॉर यू नाउ। दिस इज ई रेज टू द पावर टू एक्स वन बाई टू, एंड वॉट इज दैट? दैट इज साइन ऑफ टू एक्स, इजन्ट इट बेटा? एंड अगेन दिस समथिंग विच कैन बी डन। चलो एक कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। आइए एक इस टाइप का मैं कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है, बिकॉज इसकी कैलकुलेशन लेंदी होती है, ध्यान रखना। जो लास्ट क्वेश्चन भी जो मैंने बीच में तुम्हें छोड़ दिया, यहाँ पे बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, आप आसानी से देख सकते हैं। ई की पावर एक्स, ये वाली चीज तो खत्म ही होगी ना, ये तो ई की पावर एक्स, ये तो डिफरेंट, ये तो इंटीग्रेट हो गई। ये वाला फॉर्म एग्जैक्टली सेम है जो तुम्हारे पास अभी साइन के फॉर्म में, इट इज एग्जैक्टली सेम फॉर्म, ठीक है। और एक कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो समझने की बात ये है बेटा, इस तरह के क्वेश्चन में क्वेश्चन की जो सोल्यूशन है ये लेंदी है, और इसको करने के लिए वही बेसिक चीजें ध्यान रखो। क्या इसको तुम आई ले लो, स्टार्ट दीज क्वेश्चन बाई टेकिंग देम एज आई, बिकॉज जनरली इसमें दो फॉर्म्स आ जाते हैं, और फिर अगर आपने आई ले रखा है तो थोड़ा कन्वीनियंटली आप रिप्रेजेंट कर पाते हैं, दैट इज दी ओनली थिंग। तो आइए यहाँ पे मैं बाई पार्ट यूज करता हूँ, हाफ बींग अ कॉन्स्टेंट दैट वोंट क्रिएट एनी प्रॉब्लम। अब यू और वी किसे लेना है इसको देखना है, तो चलो इसको यू ले लेते हैं, राइट। आई लेट है, हालांकि मुझे इसे वी लेना चाहिए, चलो इसको वी ले लेते हैं, है ना। लेट अस फॉलो आई लेट हेयर, बिकॉज दोनों ही इंटीग्रेबल हैं और दोनों ही डिफरेंशिएबल हैं। तो आईलेट को मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब जहाँ पे दोनों चीज़ें होती है तो फिर आईलेट को प्रेफर कर लिया करो, ठीक है। और ऐसा कोई चीज़ कैंसिल भी नहीं हो रही है। साइन टू एक्स भी इन्फिनेटली डिफरेंशिएबल है और ई रेज पावर टू एक्स भी इन्फिनेटली डिफरेंशिएबल है। अगर यहाँ पे एक्स होता या एक्स स्क्वायर होता तो मैं क्या करता? यू को लेता एक्स या एक्स स्क्वायर, उससे क्या होता? वो वाली चीज़ अल्टीमेटली डिफरेंशिएट करके वो गायब हो जाती है, डी यू बाई डी एक्स में वो वाली चीज़ अल्टीमेटली एलिमिनेट हो जाती है। बट यहाँ तो कोई भी चीज़ एलिमिनेट होनी की नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पे आईलेट यूज़ करूँगा, और यहाँ पे एज पर दी प्रायोरिटी, राइट, P comes before E, so I'll take it this as the first function and this as the second function. So आइए अब मैं यहाँ पे by parts apply कर रहा हूँ। This is coming out to be U, which is sine 2x, and integration of this, which is E raised to the power 2x over 2 minus sine के साथ differentiation of this, differentiation of that would be twice of cos 2x into integration of E raised power 2x, ठीक है? That is upon 2x, right? Upon 2 हो जाएगा तो ये dx आएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड इट, ठीक है। अब ये i है बच्चों, अब मैं इसको क्या करूंगा, इस वाले एक्सप्रेशन को i1 ले लूंगा,
और आई वन को अलग से सॉल्व करके यहाँ पे वैल्यू प्लग इन कर दूंगा, ठीक है। आप क्या लिख दोगे, इक्वेशन नंबर वन, एंड देन आप यहाँ पे आई वन सॉल्व करोगे और लास्ट में क्या लिखोगे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ आई वन इन इक्वेशन नंबर वन, दैट इज हाउ यू विल राइट इन योर आंसर शीट, ठीक है। एंड यू डूइंग इट ऑन द स्क्रीन, तो मैं थोड़ा सा इसको पार्ट में डिवाइड करके कर रहा हूँ, ठीक है। आप आई वन यहीं से सॉल्व करोगे, आई होप यू अंडरस्टैंड दीज बेसिक थिंग्स। तो आई वन की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है बच्चे, ये आ रही है तुम्हारे पास cos 2x into e raised to the power 2x into dx, ठीक है। अब क्या करें, फिर से बाईपार्ट ही लगाना है, कोई टेंशन नहीं, बाईपार्ट लगाओ, बिना टेंशन के लगाओ, ठीक है। मैं इसमें u और v क्या लूँगा, वही चीज़ें लूँगा, इसको मैं फर्स्ट फंक्शन लूँगा और इसको मैं सेकेंड फंक्शन लूँगा। तो मेरे पास ये आ गया cos ऑफ 2x और ये आ गया मेरे पास e raised to the power 2x over 2, और माइनस साइन के साथ क्या आ गया बच्चे, दिस इज कमिंग आउट टू बी, इसको जब मैंने डिफरेंशिएट किया, राइट, इसको जब मैंने डिफरेंशिएट किया तो ये मेरे पास आया माइनस ऑफ साइन टू एक्स, राइट। कॉस थीटा का कितना होता है, माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस माइनस ये वाली चीज़ प्लस हो जाएगी बच्चे, और ये कॉस टू एक्स और इसका टू एक्स का टू भी आएगा, और यहाँ पे ई रेस टू दी पार टू एक्स अपॉन टू भी आएगा, ठीक है। यहाँ मुझे साइन लिखना चाहिए था ना, कॉस का साइन हो जाएगा ना, मैंने यहाँ पे साइन बोला तो बट साइन लिखा नहीं, तो ये साइन टू एक्स इस तरीके से हो गया, ठीक है। अब अगर तुम थोड़ा ध्यान दे रहे हो तो ये जो एक्सप्रेशन है, ये चीज़ तुम्हारे पास ये क्या है, दिस इज नथिंग बट आई की वैल्यू है ना, आई तुम्हारे पास क्या था, ये एग्जैक्टली द सेम थिंग वॉज देयर। आइए यहाँ वैल्यू पुट कीजिए, देखिए कैसे ये हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आ रहा है, मैं आई वन की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, ध्यान से देखना भाई, ये आ गया मेरे पास साइन टू एक्स, ये तो ऑलरेडी हमने इंटीग्रेट कर लिया, ई रेज टू द पावर टू एक्स एंड अपॉन 2 into 2, that is coming out to be 4, minus I1 की value मैं as it is यहाँ पे put कर रहा हूँ, ठीक है। क्यों ना मैं इसको सीधा यहाँ से control C, control V कर लूँ, तो मुझे लिखना नहीं पड़ेगा, है ना। तो I'll put it here, और ये मेरे पास ये value आ गई, ठीक है। अब देखो जो I की मेरे पास value थी ये half of this थी, तो क्या तुम्हें ऐसा ही लग रहा है ये twice of I है, राइट। ये जो मेरे पास एक्सप्रेशन है, डोंट यू थिंक इट इज ट्वाइस ऑफ आई, इट इज साइन टू एक्स सीरीज पर टू एक्स डी एक्स, एग्जैक्टली इसका हाफ मेरे पास ये आई था, मतलब मैं इसको क्या लिखूंगा, टू आई लिखूंगा। अगर आप इस टू आई को देखो तो ये नेगेटिव में है, जब आप इसको लेफ्ट साइड पे लेके जाओगे बच्चे तो ये कितना हो जाएगा, थ्री टाइम्स आई, एंड यू विल बी लेफ्ट विद नथिंग बट दीज टू टर्म्स, दैट्स ऑल, यू विल बी लेफ्ट विद जस्ट दीज टू टर्म्स, लेट मी चेंज द कलर सो दैट इट्स ओके, ठीक है। ये वाली चीज़ ये 2i है, और इस तरीके से ये तुम्हारे पास 3i की वैल्यू आ गई। जैसे अगर ये 3i है तो i कितना होगा, तुमने ये 3 यहाँ से हटाया और इधर इधर डिवाइड कर दिया, प्लस c करना नहीं भूलना। तो सैम आई थिंक द आंसर शुड बी साइन ऑफ 2 e रेस पार 2x, तुम कॉमन ले सकते हो, है ना, जैसे यहाँ पे भी 12 है, यहाँ पे भी 12 है, तो आप यहाँ पे e रेस पार 2x को अपॉन 12 को कॉमन भी ले सकते हैं, बिकॉज वी कैन सी दैट एट बोथ द प्लेसेस, सो दैट वुड बी साइन ऑफ 2x माइनस कॉस ऑफ 2x प्लस 2। अगेन इफ इट इज ओके जस्ट टाइप ओके, एल्स टाइप आर, डू इट फास्टर, ईदर एन ओके और एन आर, वट एवर यू वॉन्ट राइट। समझ में आ रहा है ना, अच्छे क्वेश्चन हैं, दे आर सर्टेनली गुड क्वेश्चन, and that is how you should do them। Okay, I have repeated, I have got 1 hour, so मैं एक बार एक quick revision कर देता हूँ। किस step में परेशानी है भाई, I1 की value निकालने में कोई tension तो नहीं, I1 निकाल लोगे step by step? सर हाँ बिल्कुल, last में सर जब I की value substitute की थी तब समझ में नहीं आ रहा था, बस कुछ नहीं किया उसके बाद भाई। देखो कैलकुलेशन ना कुछ चीज़ें ऐसी होती है, मैं बार बार कहता हूँ लिख लिया करो और क्लास के बाद दोबारा किया करो, बिकॉज इसमें है कुछ भी नहीं है अभिषेक बेटा। अगर तुम्हारे पास e रेज पार 2x साइन 2x dx by 2i है तो ये वाली चीज़ क्या 2i नहीं होगी, ये उसका डबल नहीं है, तो मैंने इस वाली चीज़ को क्या लिखा, मैंने इसको 2i लिखा। जब मैंने इसको 2i लिखा और ये माइनस साइन है बेटा, तो माइनस 2i जब ये इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, 3i बन जाएगा, और बाकी चीज़ तो ऑलरेडी इंटीग्रेटेड है, यहाँ से लेके यहाँ तक तो ऑलरेडी इंटीग्रेटेड है ना। तो मैंने बस i की वैल्यू निकालनी थी तो मैंने इसको डिवाइड बाय 3 कर दिया, दैट इज ऑल, ठीक है। प्लीज डू द कैलकुलेशन वन मोर टाइम आफ्टर द क्लास, ऑल ऑफ यू इवन द गुड स्टूडेंट्स, राइट, कैलकुलेशन जरूर से किया करो, बिकॉज दैट इज वेयर यू गो रॉन्ग इन द एग्जाम, प्लीज मेक श्योर दैट यू डू देम अगेन। ऑलराइट, प्रोसीडिंग अहेड, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
साइन ऑफ लॉग ऑफ एक्स ओवर एक्स क्यूब। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन लगा मुझे, और आओ देखते हैं कैसे करना है, लेट्स सी। तो सबसे पहले चीज़ तो देखो, स्टार्ट करने के लिए सिर्फ एक ही प्लेस समझ में आता है कि मैं लॉग एक्स को टी लेके स्टार्ट करूँ, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट करूँ? लॉग एक्स को टी लेके स्टार्ट करूँगा, ठीक है। दैट इज हाउ आई विल पुट। सर्टेनली यू नो दैट द बेस इज ई, एंड इफ यू रिमेंबर द प्रॉपर्टी ऑफ लॉग दैट आई हैव टोल्ड यू सेवरल टाइम्स, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लॉग चिल्ड्रन दैट आई विल बी यूजिंग हियर, लेट मी रिमाइंड यू वन मोर टाइम। Log of a to the base b is equal to c. This implies that a can always be written as b raised power c. If you remember, wonderful. If you don't remember, write it down. These are basic things which certainly are used in your exams. ठीक है? You must remember these things. कई बार हम लोगों ने इन बातों को discuss कर रखा है, और जैसे ही तुम्हें ये छोटी सी बात ध्यान में आती है तो तुम यहाँ पे क्या कह सकते हो? You can say that x is equal to e raised to the power t. That is how you substitute things. ठीक है? और अब dx को कैसे रिप्लेस करने जा रहे हो तुम? तुम यहाँ पे लोगे dx by dt, which will certainly be e raised power t into dt. That's all. अब आप यहाँ पे i की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे and then things won't trouble you much. आइए देखते हैं क्या आ रहा है। ये मेरे पास i की वैल्यू कितनी आ रही है? 1 by x cube. x cube कितना आ गया? e की पावर t की पावर 3. यानी ये मुझे मिलेगा e raised to the power 3 t. और साइन ऑफ लॉग ऑफ एक्स, लॉग ऑफ एक्स मेरे पास टी था, तो ये बन गया मेरे पास साइन ऑफ टी। कहीं भी प्रॉब्लम है पूछ लेना भाई। और डी एक्स की जगह पे मैं क्या रखने जा रहा हूँ? ई रेज टू दी पावर टी इंटू डी टी। सर्टेनली दीज सब्स्टिट्यूशंस एंड दीज कैलकुलेशंस आर नॉट वेरी रेगुलर, बट यस दैट इज हाउ यू गेट देम इन सम ऑफ द एक्सेप्शनल क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड इन बोर्ड्स। मैं हमेशा कहता हूँ एक दो ऐसे क्वेश्चन ज़रूर से होते हैं जो वही बच्चे करते हैं जिन्होंने बहुत बढ़िया से प्रैक्टिस कर रखी है। आई थिंक दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन कम्स इन दैट कैटेगरी। कोई मुश्किल नहीं है बिकॉज आपने इन सबको सब कुछ पढ़ रखा है इसमें से, ठीक है। लेकिन हाँ, ये चीज़ें एग्जाम में कई बार बच्चों के माइंड से स्ट्रिप होती रहती हैं, ठीक है। तो ये इन चीज़ों को अगर तुम बार बार प्रैक्टिस रिवाइज करते रहते हो तो स्किप नहीं होंगी। ओके, आइए अब इसको देखते हैं। आपको ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, इंटीग्रेबल है और कोई टेंशन नहीं है, बट फिर भी मैं इस क्वेश्चन को एक बार फिर से कम्प्लीटली सॉल्व करूँगा बिकॉज ये वही वाला फॉर्म है जिसमें आई वन आई टू करके करोगे तो तुम आंसर तक पहुँच पाओगे, ठीक है। तो मैं इसको कम्प्लीटली सॉल्व करूंगा आपके लिए सो दैट यू आर कम्फर्टेबल इन सच काइंड ऑफ कैलकुलेशंस। ओके, जस्ट टू मेक श्योर दैट यू आर कम्फर्टेबल इन सच काइंड ऑफ कैलकुलेशंस, आई विल डू इट इंटायरली फॉर यू। सो इट इज ई रेज टू द पावर माइनस टू टी माइनस थ्री टी प्लस टी माइनस टू टी हो जाएगा एंड साइन ऑफ टी इन टू डी टी। अब क्या करूँ? बाई पार्ट ही लगाऊंगा। किसको यू लूँ और किसको वी लूँ? इसको यू लेता हूँ और इसको वी लेता हूँ। I hope you are okay with everything till now. Okay? I just hope that. In case there is any problem, you can always tell me. You can always let me know. So, थोड़ी लंबा है तो थोड़ा छोटा छोटा करके करने की कोशिश कर रहा हूँ। I की वैल्यू मेरे पास आ गई यहाँ पे v, rather u. U मेरे पास है sin t and integration of e raised power minus 2t. तो ये क्या मिलेगा मुझे? e raised to the power माइनस टू टी डिवाइडेड बाय माइनस टू, ठीक है ना। और माइनस साइन के साथ मेरे पास, तो यहाँ कलर चेंज कर रहा हूँ बिकॉज शायद यहाँ, चलो नीचे लिख देता हूँ, इट आई डू इट हेयर। माइनस साइन के साथ मैं साइन टी को डिफ्रेंशिएट करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा बेटा? कॉस टी मिल जाएगा। और फिर जब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा तो मुझे मिलेगा ई रेज टू दी पार माइनस टू टी ओवर माइनस टू। तो ये जो माइनस टू है ये माइनस वाली साइन को क्या बना देगा? प्लस बना देगा, ठीक है। और इसे अभी हमें इंटीग्रेट करना बाकी है। क्या ये चीज़ आई के बराबर है? इज इट इक्वल टू आई? नो, दिस इज नॉट इक्वल टू आई, राइट। व्हाट वाज आई? दिस वाज आवर आई। हमारे पास आई ओरिजिनली ये वाली वैल्यू थी, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। दिस वॉज दी वैल्यू। तो चलो ठीक है, ये मेरे पास अभी आया है और आई की जगह पे मैं इस एक्सप्रेशन को कुछ इस तरीके से लिख दूंगा दैट दिस इज साइन ऑफ टी ई रेज टू दी पावर माइनस टू टी माइनस साइन के साथ यहाँ पे टू और प्लस इसको मैं आई वन रखने जा रहा हूँ। ये जो वैल्यू है तो क्या रखने जा रहा हूँ? आई वन रखने जा रहा हूँ और फिर वही आई वन पे मैं फोकस करूँगा, आई वन पे फोकस करूँगा। आई वन मेरे पास कितना आ गया? बल्कि मैं इसको आई वन बाई टू ले लूँगा, ठीक है। मैं तो क्या ले रहा हूँ? आई वन बाई टू ले रहा हूँ। ये बात तुम्हें समझ में आ रही होगी मैं कैसा भी मैं ये कैलकुलेशन तुम्हें इंटायरली करके बता रहा हूँ so that you become comfortable in these things, okay?
सो वी विल बी आई वन कितना हो जाएगा कॉस ऑफ टी इंटू ई रेज टू दी पावर माइनस टू टी इंटू डी टी. फिर से क्या करना है, बाईपार्ट करोगे, बाईपार्ट करोगे तुम्हारे पास क्या होगा, कहीं ना कहीं आई वाला फॉर्म रिक्रिएट हो जाएगा. ये जो तुम्हारे पास आई है, ये जो तुम्हारे पास आई है, ये रिक्रिएट हो जाएगा जैसे तुम सेकेंड टाइम इसको करते हो. ठीक है, तो आओ कर लेते हैं. ये मैंने कॉस ऑफ टी को एज इट इज रखा बेटा, और मैंने इसको इंटीग्रेट किया, ये कितना आ गया ई रेज टू दी पावर माइनस टू टी ओवर माइनस टू. ठीक है, माइनस साइन के साथ ये वाली चीज़ कितनी आ गई, दैट इज साइन टी. ठीक है, साइन टी, और ये जो साइन टी है कॉस टी को डिफरेंशिएट करके आ रहा है, तो ये तो माइनस साइन टी होगा ना, तो माइनस साइन टी से क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा. ठीक है, दैट विल बी प्लस. और क्या आ गया, और मेरे पास आ गया यहाँ पे ई रेज टू दी पावर माइनस टू टी ओवर माइनस टू. तो फिर से ये माइनस टू से क्या हो गया, ये वाली चीज़ अब फिर से माइनस हो गई. ठीक है, अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो ये चीज़ है कितनी, आई बाई टू है. वट इज़ दिस, दिस इज़ आई बाई टू. तो देखो ये एक्सप्रेशन कैसा हो गया, मैं यहाँ ऊपर वाली चीज़ें इरेज कर दूँ. चलो नेक्स्ट पेज पे ले चलते हैं, कोई बात नहीं. राइट, लेट अस टेक इट ऑन द नेक्स्ट पेज. ये इरेज ना करके नेक्स्ट पेज पे लेके चलते हैं. आई टोल्ड यू दीज आर कैलकुलेटिव बट यू शुड नॉट बॉदर. परेशान नहीं होना है, बस ध्यान से कैलकुलेशन करनी है, दैट इज ऑल. ठीक है, कैलकुलेशन बस ध्यान से करनी है. तो चलो देखो, ये तुम्हारे पास आई वन की वैल्यू आ गई. अच्छा, ये आई कितना था, आई में मेरे पास ये वाला टर्म भी था ना स्टार्टिंग में, आई में मेरे पास ये वाला टर्म भी था, इसको भी लिखना है हमें यहाँ पे. ठीक है, तो चलो लिख लेते हैं, कॉपी क्यों ना कर लें लिखने की बजाय. चलो इसको कॉपी कर लेते हैं, आप लिख लेना. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये वैल्यू रख ली, और अब सिंपली इसको हम लोग फटाफट से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं. देखो भाई, मैं ये पूरी कैलकुलेशन सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप में से जो लोग थोड़े से कम कंफर्टेबल हैं इन कैलकुलेशंस में, जो इस तरह की जब डिस्कशंस होती हैं तो उनकी कॉन्फिडेंस थोड़ी इंक्रीज हो जाती है. सो दैट इज़ द ओनली पर्पस दैट आई एम डूइंग इट इन डिटेल. तो आई वन की वैल्यू मैं यहाँ से प्लग इन करने जा रहा हूँ बेटा. आई वन मेरे पास यहाँ पे हाफ बाहर कॉमन में है, और ये वाली चीज़ कितनी आ गई, माइनस ऑफ कॉस ऑफ टी ई रेज टू दी पावर माइनस टू टी ओवर टू. और ये अगर आप देख रहे हैं तो ये कितना है बेटा, दैट इज़ माइनस आई बाई टू. अब ये जो माइनस आई बाई टू है, अगर तुम इसको ध्यान से देखो तो ये वाली चीज़ कितनी हो जाएगी, माइनस आई बाई फोर हो जाएगी. माइनस आई बाई फोर जब इधर जाएगा बेटा तो ये क्या हो जाएगा, एक तो ये आई है और एक तुम्हारे पास वन बाई फोर है, वो भी नेगेटिव में, इधर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा. तो द इंटीग्रेशन पार्ट इज़ डन, अब सिर्फ सिंप्लीफिकेशन रह गया है बच्चे. दिस इज साइन ऑफ टी. अब बल्कि चाहो तो यहाँ कुछ कॉमन भी ले लो, जैसे ई रेज पार टू टी तो कॉमन ही दिख रहा है और नीचे टू भी कॉमन दिख रहा है. तो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे माइनस साइन के साथ ई रेज टू दी पावर टू टी ओवर टू को कॉमन ले लेता हूँ. यहाँ मेरे पास आ गया साइन ऑफ टी. ठीक है भाई, यहाँ आ गया साइन ऑफ टी, और यहाँ भी माइनस साइन के साथ एक टू बाहर चला गया और ई की पावर टू टी भी बाहर चला गया. तो ये कितना बच गया बेटा, ये आ गया तुम्हारे पास प्लस कॉस ऑफ टी. अब ये कितना बनेगा बेटा, ये 5 बाई फोर होगा, दैट विल बी 5 बाई फोर. तो 5 बाई फोर को जब तुम इधर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 बाई फाइव. ठीक है, 4 बाई फाइव. एंड एट द एंड यू शुड नॉट फॉरगेट टू पुट द वैल्यू ऑफ टी. टी कितना था बच्चे, कहाँ चला गया, आगे बढ़ गया मैं, दिस वॉज टी. टी की वैल्यू थी लॉग ऑफ एक्स. तो जहाँ पे टी है वहाँ पे लॉग ऑफ एक्स रख दो, और जहाँ पे एक्स है वहाँ पे तुम चाहो तो ई की पावर टी रख दो, मर्जी है तुम्हारी, जैसा चाहे वैसा कर लो. और कर लेते हैं, तो ये कितना हो गया, ई स्क्वायर तो कोई टेंशन ही नहीं है ना, ई स्क्वायर तो कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए. क्यों, बिकॉज तुम्हें पता है ई की पावर टी जो है वो एक्स है, तो ई ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, तो देखो आई का जो फाइनल आंसर तुम्हें देना चाहिए, यहाँ पे मैंने प्लस की नहीं लिखा है, वो ज़रूर से होना चाहिए कंपल्सरली. तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा 2/5, राइट, ये 2 और ये 5 कैंसिल हुआ, ये 2 और 4 कैंसिल हुआ, ये माइनस 2/5 ई रेज टू दी पावर, और हमने टू टी की जगह पे क्या रखना है, हमने टू टी की जगह पे क्या रखना है, अच्छा ई की पावर टी को एक्स लिया था, ई की पावर टी को हमने एक्स लिया था, ई की पावर टी को हमने एक्स लिया था, और मेरे पास क्या है, ई की पावर टू टी है, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, तो टू की पावर फाइव एक्स, टू माइनस टू बाई फाइव एक्स स्क्वायर, एक तो ये आ गया, और ये तुम्हारे पास आ गया साइन ऑफ लॉग ऑफ एक्स, साइन ऑफ लॉग ऑफ एक्स, और प्लस कॉस ऑफ
log of x over 2 plus c. सैम समझ में आया बेटा? ओके वंडरफुल. सो चिल्ड्रेन आई रिपीट दैट अगेन, दीज क्वेश्चंस आर गुड, वेरी वेरी मच प्रोबेबल क्वेश्चंस ऑफ 4 मार्क्स एंड 6 मार्क्स कैटेगरी, एंड यू गॉट टू प्रैक्टिस देम एटलीस्ट वंस. ये अच्छी अच्छी बात यह है कि जो क्वेश्चंस अभी कल के डेट में आपके पास आपके ग्रुप पे शेयर किए गए हैं, ये सारे ऑलमोस्ट इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं. तो प्लीज मेक श्योर दैट यू प्रैक्टिस देम अगेन. अच्छा एक क्वेश्चन अभी मेरे पास चैट बॉक्स में भी आया था, मैं उसको भी देख लेता हूँ. आई डोंट वॉन्ट टू लीव एनी ऑफ योर डाउट. सो लेट मी सी, काफ़ी चीज चला गया. श्रेयांश ने दिया था, कौन सा क्वेश्चन था बेटा? क्वेश्चन 31 19.25. ओके आई यूज द बुक, राइट, आई डोंट हैव इट ऑन माई स्क्रीन. सो 19.25, लेट मी सी वॉट इज दैट. 19.25 क्वेश्चन नंबर 31. ओके चलो देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 31 आई राइट डाउन हियर, यहाँ लिख देता हूँ. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 जो आप पूछ रहे हैं, दिस इज योर क्वेश्चन. इसमें मैं हिंट दे देता हूँ, तुमसे अब हो जाएगा, बिकॉज अब इस तरह के क्वेश्चन हमने काफ़ी डिस्कस कर लिए हैं. सो आई एम वेरी मच श्योर ऑल ऑफ यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग इट. देखो मैं हिंट जरूर से दे दूंगा. तो दिस इज योर आई, यहाँ पे आप इस क्वेश्चन की शुरुआत सर्टेनली यहीं से करेंगे, रूट एक्स को टी एज्यूम करके. यानी एक्स कितना हो जाएगा बच्चों? टी स्क्वायर हो जाएगा. डी एक्स बाई डी टी कितना हो जाएगा बेटा? दैट विल बी ट्वाइस ऑफ टी. दैट मीन्स हाउ आर यू गोइंग टू सब्स्टिट्यूट डी एक्स? यू विल बी रिप्लेसिंग 2t into dt instead of 2x. So this I becomes what? This I becomes sine inverse of t, right? That is sine inverse of t, and that is 2t into dt. अब एक तो तुम यहाँ पे by parts से इसको solve कर सकते हो. एक तरीका और भी हो सकता था कि तुम इस पूरी ही चीज़ को t ले लेते, right? वो ज़्यादा आसान पड़ेगा. ये भी ऐसे भी कर लेना, ऐसे भी solve हो जाएगा. इसको तुम u लोगे और इसको तुम v लोगे. ठीक है श्रेयांश, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट. ठीक है, इसको यू लोगे, इसको भी लोगे, बिकॉज आईलेट में इनवर्स की प्रायोरिटी सबसे ऊपर आती है. और वैसे ही तुमको पता है कि साइन इनवर्स टी को इंटीग्रेट करने में परेशानी आएगी, डिफरेंशिएट आसानी से हो जाएगा. ठीक है, दैट इज वन वे. द अदर अप्रोच टू द सेम क्वेश्चन कुड हैव बीन, आई वुड से दैट्स अ ईजियर अप्रोच, दैट अगर आप यहाँ पे साइन इनवर्स रूट एक्स को ही टी ले लेते, या फिर आप यहाँ पे रूट एक्स को साइन स्क्वायर थीटा ले लेते तो और भी अच्छा हो जाता. रूट एक्स को क्या ले लेते बेटा? साइन स्क्वायर थीटा ले लेते. ठीक है, तो रूट एक्स को साइन थीटा ले लो तो एक्स तुम्हारा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा. ठीक है, एक्स तुम्हारा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा. तो इससे क्या होगा, डी एक्स बाई डी थीटा जो है ना, ये कितना बन जाता है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यानी कि साइन 2 थीटा बन जाता है. ठीक है, तो ये देखो, ये जो आई है, एक तो ये फॉर्म आ गया, दूसरा अगर तुम ये वाला टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हो, सब्सटिट्यूट यूज़ करते हो, तो क्या बनेगा? साइन इनवर्स ऑफ दिस ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या तुम्हारे पास? सिर्फ थीटा आएगा. और डी एक्स की जगह पे क्या रख सकते हो? साइन 2 थीटा इंटू डी थीटा. सो दिस सर्टेनली इज ईजियर टू इम्प्लीमेंट. इसमें तुम क्या करोगे, इसको यू लेना और इसको वी लेना. क्यों? क्योंकि जब तुम डी थीटा ओवर डी थीटा करोगे तो ये टर्म वैनिश हो जाएगा. Is it okay? Both the things are absolutely fine. You can reach the answer by both the methods. Fine, beta? Okay. So, with that, I would like to proceed without wasting a moment. Right, your doubts are done. And I would like to proceed. Now, the thing that we are going to start right now is certainly very, very important. I would like to link it to what you have done earlier. Right. It's always good to link to the previous knowledge that we have. इससे क्या होता है ना, चीज़ें समझ में अच्छे से आती हैं और याद भी रहती हैं. तो देखो, तुमने ये 6 प्रॉपर्टीज ध्यान से तुमने प्रूव कर रखी हैं, है ना, ये सबको तुमने प्रूव कर रखा है. 1/x² प्लस ए स्क्वायर वॉज 1/a टैन इनवर्स x बाई ए. x² माइनस ए स्क्वायर ये क्या था? 1/2a log ऑफ x माइनस ax प्लस ए स्क्वायर माइनस x². अब क्या करना है, इन छों का रेसिप्रोकल हमें प्रूव करना है. इन छों का रेसिप्रोकल, इन ऑल द 6 इनका रेसिप्रोकल. रेसिप्रोकल यानी ये इसका रेसिप्रोकल लोगे तो क्या हो जाएगा? x² प्लस a² उसका इंटीग्रेशन. तो कोई मुश्किल नहीं है ना, इंटीग्रेशन ऑफ x² प्लस a² आई डोंट थिंक इसको, ये तो मतलब किसी बच्चे को भी परेशानी नहीं आएगी. जो बायोलॉजी वाला बच्चा है ना, उसने भी इतनी इंटीग्रेशन सीख रखी है. राइट, क्या आंसर हो जाएगा? ये तो हो जाएगा x³/3 प्लस a²x प्लस. तो इसके इंटीग्रेशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसके रेसिप्रोकल में. सिमिलरली इसके रेसिप्रोकल में कोई प्रॉब्लम नहीं है.
इसके रेसिप्रोकल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो बचे हुए तीन हैं ये थोड़े से प्रॉब्लमेटिक हैं, बिकॉज यहाँ पे अंडर रूट लगने से ये परेशानी शुरू हो जाती है। तो दैट इज वॉट वी आर फोकसिंग नाउ, राइट? दीज आर द थ्री थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस राइट नाउ। मैंने यहाँ पे दो बल्ब लगाए हैं, ध्यान से देखो। दैट मीन्स जो 6 मार्क्स के अच्छे क्वेश्चन हैं उसमें तुम्हें इसकी एप्लीकेशन बढ़िया दिखती है, ठीक है? इसकी एप्लीकेशन 6 मार्क्स वाले में बढ़िया दिखती है। जो ऑलमोस्ट 2-3 एक्सरसाइजेस हमारे रह गए हैं जो हम अभी अगले 1 या 2 दिन में फिनिश करने जा रहे हैं, ठीक है? तो उसमें आप देखेंगे कि अब आप जो मोस्टली जो क्वेश्चंस आप देखेंगे वो 4-6 मार्क्स वाले ही रह गए हैं, ठीक है? अभी पहले भी आपने काफ़ी वो कवर किए हैं, ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ अभी 2 मार्कर्स ही कवर किए, कुछ आपने अच्छे क्वेश्चंस आज भी डिस्कस किए हैं, पहले भी डिस्कस कर रखे हैं, बट अब ये वाले जो हैं ये स्ट्रिक्टली 4-6 मार्क्स में ही हैं, ठीक है? अब बात आती है इसको प्रूव कैसे करें। अगेन मैं दोनों एस्पेक्ट पे बात करूंगा, पहले ये कि इसको याद कैसे रखें, दूसरा ये कि इसको प्रूव कैसे करें। पहली चीज़ याद कैसे रखें, बिकॉज प्रूव करने को तो ठीक है, प्रूव हम हमेशा करते हैं, पहले याद कैसे रखें इसकी बात करता हूँ। देखो ध्यान से देखो, जो भी एक्सप्रेशन तुम्हारे पास है, मैं पहले याद रखने का तरीका सिखा रहा हूँ। जो भी एक्सप्रेशन तुम्हारे पास है एज इट इज एक्स इंटू द सेम एक्सप्रेशन, एक्स इंटू द सेम एक्सप्रेशन, एक्स इंटू द सेम एक्सप्रेशन, यानी ये वाली चीज़ तो सब में आनी है और डिवाइड बाई 2 भी आना है, ठीक है? x into the same expression divide by 2 वाली चीज तो आनी है। अब आगे की चीज कैसे याद रखोगे बच्चों? अब ये चीज जब डिनोमिनेटर में थी, यानी ये जब 1 by a square minus x square dx था, तो ये तो तुम्हें याद है ना क्या था? क्या था ये? साइन इनवर्स x by a, बस वही चीज यहाँ पे भी है। साथ में क्या है? प्लस a square by 2 है, वो सब में है, बस एक में माइनस है। जहाँ पे a नेगेटिव है वहीं पे ये नेगेटिव है, इसको ऐसे याद रखोगे। यानी a स्क्वायर बाई 2 सब में है, जहाँ पे a पॉजिटिव है वहाँ पे ये पॉजिटिव है, जहाँ पे ये नेगेटिव है वहाँ पे ये नेगेटिव है, और ये वैल्यू भी बिल्कुल वही है बेटा। ध्यान से देख लो, अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर स्क्वायर क्या था? लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ दिस, और ये कितना था? लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ दिस। तो तुम्हें याद तो इस टेक्निक से रहेगा, बट हमें समझना भी है। आओ समझना शुरू करते हैं, मुश्किल नहीं है, आसान है। क्या यहां तक चीजें समझ में आई? इफ यस जस्ट रेज योर हैंड चिल्ड्रन, क्विकली रेज योर हैंड प्लीज, डू इट फास्टर। सलमान बी रेगुलर, बहुत छुट्टी कर रहे हो तुम, आई एम रियली नॉट हैप्पी विद दिस। व्हाट एवर इज द प्रॉब्लम, छुट्टी करना इज नॉट द सॉल्यूशन चिल्ड्रन। मैं बार बार ये बात इंसिस्ट करता हूं, राइट? आप छुट्टी करते हैं मुझे अच्छा नहीं लगता, आई डोंट फाइंड इट गुड। लेट आते हैं, आई डोंट फाइंड इट गुड, ठीक है? See, I am a very sincere, honest teacher and at times I become very strict as well. ठीक है, मैं कई बार जो है strict भी हो जाता हूँ, और strict होने का मतलब ये नहीं है कि मैं जो है तुम्हें डांट लगाऊंगा या फिर तुम्हें, मैं सीधा तुम्हारे पेरेंट्स से बात करूंगा, I'll talk to your father or your mother. ठीक है, तो अगर आप टाइमली नहीं आ रहे हैं या आप छुट्टी ज़्यादा कर रहे हैं तो आप तैयार रहिएगा कि मैं आपके घर पर कभी भी कॉल कर सकता हूँ। मैं पर्सनली कॉल करूंगा, कोई ऑफिस से कॉल नहीं वॉल नहीं करेगा, मैं पर्सनली फोन करूंगा। Please be regular children. There is no substitute for hard work and consistency. There is no substitute for hard work and consistency. Make sure you are doing it. ठीक है? Regular रहिए और time से class में attend किया कीजिए. 3 o'clock you should be in the class. ठीक है? अब जो चीजें पढ़ने जा रहे हो ये बहुत important है और इतना हलवा नहीं है कि ऐसे बैठे बैठे कुछ भी हो जाएगा. चलो देखो, बता रहा हूँ. अब ये first वाला है और इसको prove करते हैं, ठीक है? अच्छी बात यह है कि अभी हमें बाईपार्ट्स आता है, जब हमें बाईपार्ट्स आता है तो चीज़ें इजी हो जाती हैं, जो नॉन इंटीग्रेबल चीज़ें भी हैं वो भी हम इंटीग्रेट करना शुरू कर देते हैं। बाईपार्ट्स हम लोगों ने सीख लिया है, बाईपार्ट्स होता है क्या, 2 फंक्शन में अप्लाई करते हैं और जो चीज़ इंटीग्रेबल नहीं होती है उसको यू बना देते हैं, उसको फिर डी बाई डी कर देते हैं और फिर वी डी एक्स करके मामला निपटा देते हैं, समझ रहे हो ना? चलो देखो, आई विल डू इट फॉर यू। फर्स्ट वन ध्यान से देखना, एक बताऊंगा बाकी 2 तुम्हें समझ में आ जाएगा, बिल्कुल सेम पैटर्न पे होगा, एंड आई एम प्रिटी श्योर दैट ऑल ऑफ यू आर केपेबल ऑफ डूइंग इट आफ्टर द क्लास। एक मैं बिल्कुल ध्यान से स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा ताकि आप प्रोसेस को समझ सकें। प्रोसेस अगर एक बार समझ में आ गया ना तो उसको रिपीट करने में तुम्हें परेशानी नहीं होगी। देखो दिस इज व्हाट इट इज, राइट? मैं क्या करूंगा, अब ये इंटीग्रेबल तो है नहीं यार, तो जो इंटीग्रेबल नहीं होता क्या करते हैं, या तो कुछ सब्स्टिट्यूट करते हैं या फिर 1 ले लेते हैं, है ना? इनटू 1 ले लेते हैं, और इनटू 1 लेने के बाद क्या करते हैं, इसको हम लोग लेते हैं यू, और हमेशा 1 को लेते हैं वी, बिकॉज अगर तुमने 1 को यू ले लिया
तो du by dx तो जीरो हो जाएगा ना, फिर तो तुम जहां से शुरू किए थे वहीं पे आ गए, कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए हमेशा वन को v लेंगे और इसको u लेंगे, ठीक है। आइए, जैसे ही आपने ऐसा कर लिया बच्चों, तो ये क्या बन गया, देखो इंटीग्रेशन ऑफ v यानी क्या आ गया, x आ गया, और ये वाली u तो एज इट इज रहेगी, यानी कि a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ठीक है। साथ में माइनस साइन के साथ क्या है बेटा, du by dx, यानी इसको तुम डिफरेंशिएट करने जा रहे हो, क्या करोगे, चेन रूल लगाओगे, डिफरेंशिएशन ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, दैट विल बी ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और अब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट आप करेंगे तो कितना आएगा बेटा, दैट विल बी माइनस टू एक्स, ठीक है। अभी तुमने क्या किया, डी यू बाई डी एक्स किया, अभी तुमने वी डी एक्स नहीं किया, तो वी डी एक्स कितना आएगा, जब तुम इसको वन को इंटीग्रेट करो तो क्या मिलेगा, एक्स मिलेगा, तो ये कितना आ गया बेटा, ये आ गया तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखो, तो ये वाला टू भी कैंसिल हो गया, और ये जो माइनस माइनस है इसको मैं साथ में क्या कर सकता हूँ, प्लस कर सकता हूँ, यानी ये जो एक्सप्रेशन है थोड़ा सा अच्छा सा दिख रहा है अब मुझे, ये कैसा दिख रहा है मुझे, ये ऐसा दिख रहा है, आई इज इक्वल टू एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ऊपर मुझे एक दिख रहा है ये क्या, एक्स स्क्वायर और डी एक्स, और नीचे क्या दिख रहा है मुझे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना बेटा, दैट इज वॉट आई एम गेटिंग एग्जैक्टली। अब यहाँ पे थोड़ी सी हमें समझदारी दिखानी है, मैनिपुलेशंस करने हैं, ध्यान से देखो मैं कैसे करने जा रहा हूँ, ये प्लस एक्स स्क्वायर है, मैं यहाँ पे बाहर एक माइनस साइन लगा रहा हूँ, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो प्लस एक्स स्क्वायर तो मैंने क्रिएट कर दिया, बट साथ में मैंने ए स्क्वायर यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बना दिया, है ना, मैंने यहाँ पे एक ए स्क्वायर एक्स्ट्रा क्रिएट कर दिया जो मुझे नहीं चाहिए था, कोई बात नहीं, दैट्स ओके। तो अगर मैंने एक ए स्क्वायर एक्स्ट्रा क्रिएट कर दिया माइनस में, तो ऑब्वियसली बात है मैं अगर यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर उस वाली चीज़ को कर दूँ, तो ये माइनस माइनस अल्टीमेटली प्लस हो जाएगा, तो आई होप यू अग्री कि दिस थिंग कैन बी रिटन लाइक दिस, डू यू अग्री, इफ यस जस्ट रेज योर हैंड, डू इट फास्टर, राइट, सिंपल, मैंने एक जिस कॉन्स्टेंट को प्लस किया उसी को माइनस कर दिया, दैट्स ऑल, ठीक है। अब आपके माइंड में ये चल रहा होगा, सर आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हो, तो भाई इसलिए कर रहे हैं बिकॉज ये नीचे है ना, ये नीचे है ना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो मैं इसको जब अलग अलग से लिखूंगा तो ये क्या बनेगा, देखो आई विल डू इट फॉर यू, ये वाली चीज़ तो तुम्हारे पास फर्स्ट वाली चीज़ तो एज इट इज है, विच इज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये जो माइनस साइन के साथ तुमने बनाया, तो इसको तुम अगर जब सेपरेट करोगे क्या आएगा बेटा, ये दिस थिंग वुड बिकम इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, एंड दिस द अदर पार्ट वुड बिकम वॉट, प्लस ऑफ ए स्क्वायर, बिकॉज माइनस माइनस ही क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। तो अगर आप ध्यान से देख रहे हैं बच्चों, तो ये वाली चीज कुछ और नहीं है, ये क्या है, आई है, और इस माइनस आई को जब मैं लेफ्ट साइड पे लेके आऊंगा तो मैं क्या लिखूंगा, टू आई, और राइट साइड पे तुम्हारे पास क्या आ गया, दिस इज एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a square being a constant, I can take it outside, and dx over and this is already a known form for all of us, that is sine inverse x upon a, that is what it is. Ab I kitna hoga, divided by 2, exactly same cheez har jagah pe repeat hogi, baki dono case mein bhi exactly aap isi cheez ko repeat karne ja rahe ho, theek hai, and last mein plus c karna to hame kabhi nahi bolna chahiye, theek hai, if it is okay can you please type FAB in the comment box.